नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सब्जियों में एक शिमला मिर्च बनाने की कोशिश करेंगे, तो चलिए बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ पर हम इस प्रकार से छोटा सा ऊपर की तरफ हल्का सा मुड़ा हुआ निशान बनाएंगे इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से ला करके थोड़ा सा ऐसे हम गोल करेंगे और इस प्रकार से ला करके नीचे की तरफ हम यहाँ पर एक सी बना देंगे। सेम सीधा रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमको। यहाँ पे ला करके इस प्रकार छोड़ेंगे और इसको इस प्रकार से फिर गोल करेंगे और इस प्रकार से स्ट्रोक लगाते हुए हम नीचे ला करके इसको ऐसे मिला देंगे। सबसे पहले हमको इसी प्रकार से इसकी आउटलाइन कर लेनी है। थोड़ी सी हम डार्क कर रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई पड़नी चाहिए, तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। फिर हमें क्या करना है, यहीं पर इसका जो है डंठल बना लेना है शिमले मिर्च का। जैसे कि आपने देखा है डंठल इसका, तो इसका डंठल जो होता है थोड़ा सा मोटा होता है, और तो हम उसको मोटा बना लेंगे इस प्रकार, और इसको इस प्रकार ला करके हम गोल कर देंगे। ये ध्यान रखना है जो हम ये गोला बना रहे हैं थोड़ा सा अंडे आकार का होना चाहिए, और इसमें इस प्रकार से निशान लगा देंगे छोटे छोटे इस प्रकार से। अब हमको यहाँ से दो लाइनें बनानी है, या कह सकते हो हम सी बना लेंगे। एक सी ये हो जाएगी हमारी इस प्रकार से, जो ये आएगी और यहाँ पर आकर के आराम से कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी, और ए वाली सी आएगी इधर से और इस प्रकार से आकर के यहाँ से मिल जाएगी। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका बैक साइड, तो इसको छोटी छोटी दो सी बना देनी है, एक इधर से और एक इधर से। बस हमारा बन गया शिमला मिर्च। ये हमारी शिमला मिर्च की आउटलाइन बन गई। अब हमें इसे क्या करना है, सेट कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले वही हमें जो है अपनी पेंसिल उठानी है, कोई भी पेंसिल जो डार्क हो, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है। तो उससे हम इसकी आउटलाइन करेंगे, इस प्रकार लाइन बनाएंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी आउटलाइन कर लेनी है इस प्रकार से। हम मार्कर से कर रहे हैं, आपको किसी भी डार्क पेंसिल से इसकी आउटलाइन करनी है। जितनी फ्रेश आउटलाइन आप करेंगे उतना ही क्लियर हमारा चित्र लगेगा। इस प्रकार से इसकी आप आउटलाइन कर लेना, बहुत ही प्यारा तरीका है। हर कोई बच्चा इस तरीके से बना सकता है, एक बार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारी ड्राइंग नहीं बनती है, और अगर रियलिटी ये देखी जाए तो कभी कोशिश ही नहीं करते। तो कम से कम हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, जब कोशिश करेंगे तभी तो हम सीख पाएंगे। तो चलिए इसकी हम शेडिंग कर लेते हैं। तो आपको इसी प्रकार से कोई भी डार्क पेंसिल लेनी है और इस प्रकार से स्ट्रोक देने हैं। यदि आपको हल्की शेडिंग करनी है तो हल्के स्ट्रोक, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है पेंसिल के ऊपर, और अगर आपको डार्क लगाना है तो आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर हल्की हल्की सी शेडिंग कर लेते हैं। अब यहाँ की शेडिंग जो है ज़्यादा डार्क रहेगी। अब जैसे जैसे हम ये आएंगे तो यहाँ नीचे का रिफ्लेक्शन रहेगा, जिसके कारण ये शेडिंग जो है हल्की रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ की शेडिंग हम हल्की कर लेंगे इस प्रकार। सेम इसी प्रकार से हम इसकी शेडिंग करते हैं।
अब यहाँ पर ये भाग जो है इसके ऊपर छिप होगा तो इसकी छाया यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ पर हल्का ज़्यादा डार्क रहेगा, तो यहाँ पर हम डार्क डार्क कर लेते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम हल्का हो जाएगा हमारा, हमारी सेटिंग्स हल्की हो जाएगी। सेम वही टेक्निक इधर भी हमें रखनी है, तो यहाँ का भाग ज़्यादा कुछ डार्क रहेगा तो इसको हम ज़्यादा डार्क कर लेते हैं, और इसको इस प्रकार से यहाँ पर हम सेड कर देंगे। यहाँ पर फिर इस प्रकार, फिर यहाँ पर इस भाग को ज़्यादा डार्क रखना है, ऊपर के भाग को हल्का कम सेड करना है, यहाँ भी सेम उसी प्रकार से शेडिंग करनी है आपको। अब आपने देखा बहुत ही प्यारा जो है हमारा ये शिमली मिर्च जो है बन गई। यहाँ पर भी हल्के हल्के हम शेडिंग कर देंगे, और थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है जिसको हम बना लेते हैं। इसमें जो बना होता है इसमें हल्की हल्की बारीक बारीक लाइनें होती हैं, इनको हम बना लेते हैं जिससे हमारा चित्र और भी खूबसूरत लगेगा। ये हमारा शिमली मिर्च का बहुत ही बेहतरीन चित्र बनकर के तैयार हो गया है। यदि आपको हमारी यह ड्राइंग अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और यदि ऐसे ही और अधिक वीडियो आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी प्रत्येक अपडेट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।